दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को एंड्रॉयड फ़ोन के कुछ ऐसे हिडन सेटिंग के बारे में बताने वाला हूं जिसके बारे में आप लोग नहीं जानते हो। एंड्रॉयड फ़ोन में कई सारे सेटिंग आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं जिसका इस्तेमाल आप लोग तरह तरह से कर सकते हैं, लेकिन आप सभी लोगों को पता नहीं होता है कि कौन सा सेटिंग किस काम के लिए इस्तेमाल करना है और बहुत सारे सेटिंग आप लोगों को मिलते हैं। अभी कुछ सेटिंग आपके फ़ोन के ऊपर साइड में मिलता है तो दूसरे फ़ोन में वही सेटिंग आप लोगों को नीचे साइड में मिलता है, तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है जिस सेटिंग के बारे में मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको सेटिंग नहीं मिलता है तो सिंपली यहां पे जो सर्च बार दिख रहा है इस सर्च बार पे क्लिक करके आप उस सेटिंग के बारे में सर्च करके भी उस सेटिंग तक पहुंच सकते हो। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि ऐसे ही नए नए वीडियोज आपको डेली हमारे इस चैनल पर देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जो पहले नंबर का सेटिंग है उसकी मदद से आप किसी भी एप्लीकेशन को हाइड कर सकते हो विदाउट किसी एप्लीकेशन को यूज़ किए। जैसे कि मान लो आपको फेसबुक को हाइड करना है, यहाँ पे जो डिस्प्ले पे शो हो रहा है यहाँ से हाइड करना है तो आप सिंपली इसे हाइड कर सकते हो। उसके लिए सिंपली आप लोगों को स्क्रीन पर होल्ड करके रखना है, यहाँ पर आपको सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सेटिंग के ऑप्शन पर आप लोगों को क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको हाइड ऐप का ऑप्शन देखने को मिलेगा जिस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब यहां से जिस भी एप्लीकेशन को आप हाइड करना चाहते हो सिंपली यहां से आपको चूज कर लेना है, उसके बाद डन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो अब यहां पे आपको यहां से बैक कर लेना है। अब यहां पे आप देख सकते हो यहां से हमने बैक कर लिया है। अब यहां पे स्क्रीन पे आप देखोगे तो आपको फेसबुक शो नहीं होगा, कहीं पर भी आप देख रहे हो फेसबुक शो नहीं होगा, तो यहां से हाइड हो गया। अगर आपको हाइड अनहाइड करना है तो सिंपली आपको फिर से अगेन होल्ड करके रखना है स्क्रीन पे, सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना, हाइड में जाना है। अब यहां से आपको क्या करना है, अनहाइड कर देना है, फिर यहां पे डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब एप्लीकेशन जो आपका अनहाइड हो चुका है, अब यहां पे देखोगे तो जो आपका एप्लीकेशन है वो आ चुका है और यहां से आप उसे देख भी सकते हो। देख सकते हो यहां पे अनहाइड होके आ चुका है। दूसरे नंबर का जो सेटिंग है उससे आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर रैम को बढ़ा सकते हो। अगर आप कोई भी गेम खेल रहे हो और गेम बहुत ज़्यादा लैग कर रहा है या रुक रुक के चल रहा है, सही तरीके से नहीं खेल पा रहे हो, तो रैम को बढ़ा करके आप उसी गेम को अच्छी तरीके से आप खेल सकते हो। उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, सिंपली अपने फ़ोन के सेटिंग में आना है, नीचे आना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा बैटरी एंड डिवाइस केयर, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको एक मेमोरी का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पे आप लोगों को क्लिक कर लेना है। थोड़ा सा आप लोगों को वेट करना है, यहां पे आपको एक ऑप्शन मिलता है रैम प्लस, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहां पे आप देख सकते हो 2GB 4GB, यानी कि हम 4GB तक रैम बढ़ा सकते हैं। अगर आपका महंगा डिवाइस रहेगा तो आप 6GB 8GB भी बढ़ा सकते हो। तो सिंपली आपको यहां पे 4GB वाले पे क्लिक करना है, उसके बाद यहां पे रिस्टार्ट का ऑप्शन आएगा, रिस्टार्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। आपका रैम बढ़ जाएगा, आप जो भी गेम खेलना चाहते हो वो अच्छे तरीके से आप गेम को भी प्ले कर सकते हो। तो जो हमारा तीसरे नंबर का सेटिंग है उससे आप अपने एंड्रॉयड फोन को फास्ट चार्ज कर सकते हो। अगर आपका भी फोन बहुत ही स्लो चार्ज होता है तो इस सेटिंग की मदद से आप अपने फोन को फास्ट चार्ज कर सकते हो। सिंपली आपको फोन के मेन सेटिंग में जाना है, जैसे ही आप जाओगे आपको नीचे आना है। यहां पर आप लोगों को एक ऑप्शन देखने को मिलेगा बैटरी एंड डिवाइस केयर, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, बैटरी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, नीचे आना है। यहां पर मिलता है मोर बैटरी सेटिंग, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यहां से फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन देखने को मिलता है, तो आपको क्या करना है, सिंपली फास्ट चार्जिंग वाले ऑप्शन को ऑन कर देना है। अब क्या होएगा कि आप अपने एंड्रॉइड फोन को फास्ट चार्ज कर सकते हो, स्लो चार्जिंग से आप छुटकारा पा सकते हो हमेशा के लिए। नेक्स्ट जो हमारा सेटिंग है उसकी मदद से आप अपने फ़ोन की बैटरी को लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हो। उसके लिए भी आपको सिंपली फ़ोन के सेटिंग को ओपन करना है, नीचे आना है। यहाँ पर आपको बैटरी एंड डिवाइस केयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, बैटरी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और बैकग्राउंड यूजेस लिमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो यहाँ पर आप सभी लोगों को एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यहाँ पे देख सकते हो पुट अनयूज्ड ऐप टू स्लीप।
क्लिप, तो इस वाले ऑप्शन को आप लोगों को ऑन कर देना है। जैसे आप इस ऐप को ऑन कर देते हो तो इससे क्या होता है कि आप अपने फ़ोन की बैटरी को लंबे समय तक चला सकते हो। रीज़न यही है कि आपका बैटरी जो होता है वो आपके बैकग्राउंड के एप्लीकेशन में ज़्यादा ख़त्म होता है, आप यूज़ करके उसे स्लिप कर देते हो, एप्लीकेशन स्लिप हो जाता है लेकिन आपके फ़ोन की बैटरी को ना यूज़ करते रहता है और ये बात आप सभी लोगों को पता नहीं चल पाता है। तो सिंपली यहाँ पे जब आप यूज़ नहीं करोगे तो वो स्लिप हो जाएगा, इससे आपका जो बैटरी है वो बचा रहेगा। उसके बाद आप लोगों को मोर बैटरी सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे ऊपर आपको मिलता है एडेप्टिव बैटरी, इस वाले ऑप्शन को भी यहाँ से ऑन कर देना है। और यहाँ पे मिलता है प्रोटेक्ट बैटरी, इसे भी आप सभी लोगों को ऑन कर देना है। बस ये तीन सेटिंग आपको करना है, उसके बाद आप अपने फ़ोन की बैटरी को लंबे समय तक इस्तेमाल कर। आखिरी में आप लोगों को क्या करना है, सिंपली पावर सेविंग को ऑन कर देना। जैसे ही आप पावर सेविंग को ऑन करते हो उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो आप अपने फ़ोन की बैटरी को 3 दिन 7 घंटे यूज़ कर सकते हो। 42% बैटरी है और उसे आप यहाँ पे कितने घंटे यूज़ कर सकते हो यहाँ पे आपके सामने दिखा रहा है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, अपने फ़ोन की बैटरी को लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हो। अब हमारा जो लास्ट सेटिंग है उसकी मदद से आप अपने फ़ोन के स्पीड को बढ़ा सकते हो। उसके लिए सिंपली आपको फ़ोन के सेटिंग में आना है, अबाउट फ़ोन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे कि आपके फ़ोन के अंदर अगर डेवलपर ऑप्शन ऑन नहीं है तो यहाँ से सबसे पहले आप लोगों को डेवलपर ऑप्शन को ऑन कर लेना है। जैसे ही आपके फ़ोन का डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाता है आप लोगों को नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आप सभी लोगों को एक से यहाँ पे नीचे आओगे तो आपको एक सेटिंग देखने को मिल जाता है। सेटिंग देखने को मिलता है विंडो एनिमेशन स्केल, ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल और तीसरे नंबर का है एनिमेटर ड्यूरेशन स्केल। तो इन्हें क्या करना है, तीनों को यहां से ऑफ कर देना है। एक यहां पे, दो यहां पे, तीसरे नंबर का जो है उसे भी आप सभी लोगों को यहां से ऑफ कर देना है। इससे क्या कर सकते हो, आप अपने फोन की स्पीड को बढ़ा सकते हो क्योंकि ये विदाउट किसी एनिमेशन को यूज किए डायरेक्ट आपके फोन को इस्तेमाल करने में मदद करता है। अब जैसे यहां से हम बैक करेंगे तो हमारा फोन देख सो डायरेक्ट बैक हो रहा है, होम करेंगे डायरेक्ट होम, किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो यहां पे आप देख सकते हो डायरेक्ट एप्लीकेशन भी ओपन हो रहा है, कोई भी यहां पे ड्यूरेशन नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, ये 7 सेटिंग को यूज करके अपने फोन को और भी मजेदार तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप सभी लोगों को यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक तो बनता है, लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना।